टाइमिंग आ रही होगी। ठीक है, अब शुरू होगी। ठीक है, 10 पॉइंट की एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चन तक हमने बता दिया था कि पैरेलल इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं। आप 7 क्वेश्चन है जिसमें पैरेलल था और 8 है नेक्स्ट। 8 में आपका परपेंडिकुलर इक्वेशन के लिए दिया गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन एक्स माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इस लाइन के परपेंडिकुलर हमें इक्वेशन फाइंड करनी है, जबकि इंटरसेक्ट है ऑन एक्स एक्सिस 3। एक्स एक्सिस पर 3 है तो एक्स एक्सिस पर 3 और वाई पे क्या हो गया 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर वाई जो होता है पॉइंट 0 होता है, तो पॉइंट हो गया हमारे 3.0। परपेंडिकुलर इक्वेशन इट्स कंपेयर करो या होता है कि एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इक्वेशन, तो देन परपेंडिकुलर इक्वेशन कोएफिशिएंट चेंज करते हैं बी का ए के साथ, ए बी की जगह रखते हैं, तो बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू लैम्डा इक्वेशन नंबर 5। अब बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू लैम्डा में पॉइंट लेना है 3.0 पर, 3.0 से हम इसको सेटिस्फाई कराएंगे ऑन 3.0, तो बी इंटू 3 एक्स की जगह ए इंटू वाई जगह 0 इज इक्वल टू लैम्डा, सो लैम्डा इज इक्वल टू आया 3। या इसी टाइप से हम इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएंगे तो क्या होगा, इसकी कोएफिशिएंट चेंज करेंगे तो देखिए जैसे बी हमारा ए की जगह आया था और ए बी की जगह, तो यहाँ पे क्या आएगा 7x परपेंडिकुलर इक्वेशन, ये इसका संबंध आ रहा है आगे 7x प्लस यहाँ साइन चेंज हो जाता और यहाँ पर हो जाएगा वाई, क्योंकि यहाँ पर इंटू में क्या आया तो 1 इंटू वाई इज इक्वल टू लैम्डा, ये हुई हमारी इक्वेशन। इसके बाद हमने क्या करा था, सेटिस्फाई कराया था, तो सेटिस्फाई कराएंगे ऑन 3.0 पर, 7 इंटू x² 3 प्लस y(0) इज इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू आया 21। यहाँ तक की वैल्यू समझ में। अब हमें क्या करना है इसमें, यह मैं ये वैल्यू इक्वेशन बन में रखना, नॉर्म इक्वेशन था 7x प्लस वाई इज इक्वल टू लैम्डा, देन 7x प्लस वाई लैम्डा वैल्यू 21, 7x माइनस वाई माइनस 21 इज इक्वल टू 0, ये इसकी परपेंडिकुलर इक्वेशन। नेक्स्ट समय हमें 2 इक्वेशन गिवन है 9 वाला, एक है रूट 3x प्लस y इज इक्वल टू 1 और सेकंड इक्वेशन है x प्लस रूट 3y इक्वल टू 1। हमसे कहा गया है ये जो 2 इक्वेशन गिवन है इनके बीच का एंगल फाइंड कीजिए, तो एंगल फाइंड करने के लिए हमेशा जो हमारा फार्मूला लगता है वो होता है tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 एंड 1 प्लस m1 m2। अब हमें यहां पर m1 और m2 चाहिए, तो m1 के लिए हमारा फॉर्मूला होता है स्लोप के लिए माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x ऊपर वाले में, और नीचे होता है कोएफिशिएंट ऑफ y, कोएफिशिएंट ऑफ x के लिए माइनस एक्स का फंक्शन जो एक्स के इंटू में है यहाँ पर रूट 3 हो गया, अपॉन में वाई का वन माइनस रूट 3 होगा, क्यों, क्योंकि नीचे वन की कोई वैल्यू नहीं होती। अब यहाँ पर आएंगे m2 सेम फार्मूला लगाएंगे, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वन हुआ अपॉन में वाई का कोएफिशिएंट रूट माइनस वन अपॉन रूट 3, वैल्यू पुट कीजिए तो टेन थीटा m1 माइनस m2 m1 की वैल्यू माइनस रूट 3 m2 वैल्यू माइनस माइनस प्लस होगा 1/√3 और अपॉन 1 प्लस m1 माइनस रूट 3 m2 माइनस 1/√3, इससे यहां आया ऊपर वाले का एल्गोरिथम रूट 3 और √3 की मल्टीप्लाई से -3 प्लस का 1, तो ये √3 से √3 कैंसिल होगा, यहां पर बचेगा 1 और यहां हो गया 1 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/1, ये आया -2/√3 और ये वाला अपॉन का रूट भी यहां देखती है,
ये आ गया टेन थीटा, टू से टू कैंसिल, तो टेन थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, जब माइनस है तो हम मॉड लेंगे तो प्लस बन जाएगा और यहां रहेगा वन अपॉन रूट। अब टेन थीटा हमें यहां निकालना है थीटा, तो थीटा के लिए हम क्या करेंगे यहां पर वन अपॉन रूट थ्री जो है ये देखेंगे टेन इसकी वैल्यू होती है, तो वन अपॉन रूट थ्री टेन होता है थर्टी, और थर्टी को हम एंगल में अगर रेडियन में दिखाएंगे रेडियन में होता पाई बाई सिक्स, कैसे होता वो देख लीजिए, ये थर्टी डिग्री है, किसी भी चीज को रेडियन बनाना है किसी भी एंगल को तो डिग्री से रेडियन बनाने के लिए पाई अपॉन वन एट्टी से मल्टीप्लाई करते हैं, थर्टी सिक्स वन एट्टी, तो एंगल आया हमारा पाई अपॉन सिक्स, तो थीटा से थीटा कैंसिल, टेन से टेन एलेक्ट हो जाओ, थीटा से वैल्यू आ गई टेन से टेन एलेक्ट करने पर पाई अपॉन सिक्स, तो इसका जो बीच का एंगल आया थीटा वो हो गया हमारा पाई अपॉन सिक्स। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है 11 क्वेश्चन, इसमें कह रहे हैं प्रूव दैट द लाइन, प्रूव करना है कि लाइन थ्रू द पॉइंट एक्स वन बाय, लाइन जो जा रही है पॉइंट एक्स वन और बाय से थ्रू हो रही है, और क्या कहा उसने, पैरेलल है, पैरेलल किसके दिखा रहा है, पैरेलल दिखाना है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, कोई भी लाइन चाहिए हो उसके पैरेलल लाइन के लिए हम सबसे पहले पैरेलल लाइन इक्वेशन होती है ए एक्स प्लस बी वाई और कॉन्स्टेंट की जगह लैम्बडा, बाकी सारा टाइम ऐसे देता है जो कॉन्स्टेंट होता है उस वैल्यू को हम लैम्बडा सपोज करते हैं, तो यहां पर हो गया ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू लैम्बडा। अब हमें पॉइंट दिया हुआ है तो पॉइंट का हम सेटिस्फाई कराएंगे ए एक्स बी वाई वन और यहां पर हो गया लैम्बडा, ये वैल्यू हम फ्रॉम इक्वेशन वन में पुट करेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई ए एक्स वन बी वाई वन, यहां से आया ए एक्स माइनस ए एक्स वन और b बाई माइनस बी वाई वन, सारे टाइम हमने क्या करा ए तब ले लिया, अब इन दोनों में a कॉमन आ रहा कॉमन ले लीजिए, x माइनस एक्स वन, यहां पर टू के पेयर में b कॉमन आ रहा है तो b कॉमन लिया, देन बाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू जीरो, ये इसकी लाइन की इक्वेशन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, इसमें कहा गया फाइंड द कोऑर्डिनेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट माइनस वन थ्री, तो पॉइंट इसमें है माइनस वन कॉमा, इस पॉइंट से हमें इक्वेशन बतानी है थ्री एक्स माइनस फोर वाई माइनस सिक्सटीन इज इक्वल टू जीरो, इसके लिए हमें परपेंडिकुलर इक्वेशन बताना, सबसे पहले तो एक इक्वेशन यही होगी, अगर इसको हम इस टाइप से लिखेंगे थ्री एक्स माइनस फोर वाई इज इक्वल टू सिक्सटीन, इक्वेशन नंबर दूसरा उसने कहा है कि ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर इक्वेशन निकालिए उसके बाद कोऑर्डिनेट बताइए, कोऑर्डिनेट के लिए दो इक्वेशन फाइंड होती है एक ये है एक परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे उसके बाद उन दोनों को हम सॉल्व करेंगे वहां से हमारे पॉइंट, सबसे पहले हम इसके परपेंडिकुलर निकालते हैं, परपेंडिकुलर मैंने अभी बताया था कोएफिशिएंट चेंज है वो हमारा एक्स के संग आएगा और जो थ्री है वो वाई के संग आएगा और बीच वाला साइन प्लस हो जाएगा और कॉन्स्टेंट की जगह लैम्डा, इक्वेशन नंबर सिक्स। अब पॉइंट माइनस वन थ्री पर हमें सेटिस्फाई कराना है तो फोर इंटू एक्स की जगह माइनस वन, थ्री इंटू वाई की जगह थ्री इक्वल टू लैम्डा, फोर माइनस वन माइनस फोर ये थ्री जा नाइन ये लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू नाइन माइनस फोर फाइव, ये वैल्यू हम सेकेंड में रखेंगे तो सेकेंड इक्वेशन हो गई हमारी फोर एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू फाइव, ये इक्वेशन बन गई थर्ड, ये परपेंडिकुलर इक्वेशन है इसको हम इसके साथ सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा कोऑर्डिनेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसमें हम क्या करेंगे थ्री से मल्टीप्लाई और इस वाले में फोर से, तो ये हुआ थ्री थ्री जा नाइन एक्स, थ्री फोर जा ट्वेल्व वाई एंड सिक्सटीन थ्री जा फोर्टी एट, क्वेश्चन वन इसमें फोर से मल्टीप्लाई करेंगे फोर फोर जा सिक्सटीन एक्स,
फोर थ्री जा 12 बाई एंड फोर फाइव जा 20, इक्वेशन नंबर थर्ड। लेकिन 12 बाई प्लस माइनस कैंसिल, क्योंकि अगर यहाँ पर साइन हमारे सेम होते हैं तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, आप साइन हमारे अलग है तो हम ऐड करेंगे, ऐड करने पर प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 16 और 9 25 एक्स, और इसको हमने ऐड किया तो यहाँ होगा 68, एक्स इक्वल टू हो गया 68 अपॉन 25। तो इसमें अब हमें क्या करना है कि x की वैल्यू आई है, अभी x की वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में रखते हैं, मान लीजिए हम लोग फर्स्ट में रखते, फर्स्ट क्या है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 63, x की जगह 68 अपॉन 25 माइनस 4y इज इक्वल टू 60, मल्टीप्लाई कर लीजिए 38 है 25 18 एंड 20 और अपॉन में 25 और ये इधर आया माइनस का 16, 4y उधर ले जाइए प्लस का, इसका फिर हमें एलसीएम लेना है, तो यहां से हो गया 4y इज इक्वल टू एलसीएम लिया 25 दिया 204 माइनस मल्टीप्लाई कीजिए 16 5 80 जीरो हो गया और वहां पे आया हमारा 8 62 32 और 8 14, यहां से जो भी वैल्यू आएगी आपकी वो बाइक पे और वो जो कहलाएंगे वो कोऑर्डिनेट रूट ऑफ परपेंडिकुलर। क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें कह रहा है PQ दो लेंथ है परपेंडिकुलर हैं फ्रॉम ओरिजिन से, दो इक्वेशन है x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल टू k, दूसरी इक्वेशन है k cos थीटा, दूसरी इक्वेशन क्या है इसमें x sec थीटा y cosec थीटा इज इक्वल टू, तो हमें प्रूफ करना है p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर, बाद में देखेंगे पहले यहां देखेंगे x sin थीटा y cos थीटा इज इक्वल टू k cos थीटा, इसकी इक्वेशन की हमने कंपेयर करी ax प्लस by इज इक्वल टू c, या इसको प्लस c कर देंगे तो प्लस c इज इक्वल टू 0, कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर करने पर हमारा x x की वैल्यू आ गई देखिए पॉजिटिव, एक्स से एक्स हटाइए तो यहां पे बन जाएगा ए की वैल्यू हो गई पॉजिटिव एंड बी बाई कैंसिल तो बी वैल्यू हो गई माइनस साइन थीटा एंड कॉन्स्टेंट सी, सी की वैल्यू हो गई देखिए इधर है राइट साइड, लेकिन हमारा सी क्या लेफ्ट साइड में, इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का ए कॉस टू थीटा, तो डिस्टेंस डी या जो उसने कहा डी का फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं ए एक्स वन बी बाई वन प्लस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, लेकिन उसने कहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस में ये चीज खत्म हो जाती है और यहां पर क्या हो जाता है केवल कॉन्स्टेंट टर्म, तो कॉन्स्टेंट टर्म क्यों, क्योंकि एक्स और बाई दोनों वैल्यू जीरो हो जाती है, हमें डिस्टेंस दी है पहले डी कॉन्स्टेंट टर्म है इसमें हमारा माइनस का के कॉस टू थीटा यानी सी की वैल्यू कॉन्स्टेंट टर्म को हम सी कर अपॉन में रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा एंड बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी है कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा वन होता है तो यहां से आ गया माइनस का के कॉस थीटा। अब दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एक्स सेक होता है वन अपॉन कॉस बाई कोसेक होता है वन अपॉन साइन इज इक्वल टू यहां आ गया साइन थीटा एंड कॉस एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके जब हम इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा एक्स साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा कॉस थीटा, ये के साइन थीटा कॉस थीटा इधर आएगा
जब इसे लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। अब हमारी वैल्यू चलिए हमने इसमें भी कम कर ली तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो से कंपेयर, कंपेयर करने में क्या हुआ ए की वैल्यू साइन, बी वैल्यू कॉस एंड सी वैल्यू माइनस साइन कॉस। अब हमें डिस्टेंस के लिए फार्मूला क्यू, इसमें कहा होता है जो डिस्टेंस है दूसरी वाली वो क्यू है, तो क्यू क्या होगा कॉस का टर्म माइनस ए साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर थीटा, बी का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से आया क्यू इज इक्वल टू माइनस के साइन थीटा एंड कॉस थीटा, पी क्यू दोनों आ गए। अब हमें जो प्रूफ करना है वो देखेंगे, हमें प्रूफ करना है पी स्क्वायर फोर क्यू स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। हमने इसमें से एलएचएस लिया, एलएचएस मतलब लेफ्ट वाली साइड, तो लेफ्ट वाली साइड में पी की वैल्यू का स्क्वायर करना है, तो माइनस के का स्क्वायर करेंगे प्लस के स्क्वायर एंड कॉस का स्क्वायर करेंगे कॉस स्क्वायर टू थीटा एंड फोर, ऐसे क्यू का स्क्वायर करेंगे के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें फोर से डिवाइड फोर से मल्टीप्लाई, ये यहां से कैंसिल, ये आया के स्क्वायर कॉस स्क्वायर टू थीटा। अब यहाँ पर हमारा इसको अगर हम अंदर लेना चाहेंगे तो ये तो बाहर लेंगे और बाकी जो वैल्यू है वो है टू साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो यहाँ हुआ के स्क्वायर कॉस स्क्वायर टू थीटा, के स्क्वायर ये होता है साइन टू थीटा का पद, साइन स्क्वायर टू थीटा, के स्क्वायर हमने कॉमन लिया, यहाँ से आया कॉस स्क्वायर टू थीटा एंड साइन स्क्वायर। देखिए के स्क्वायर ऐसा ये एक आइडेंटिटी हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बन होता है, इसकी वैल्यू हमने रखी वन, के स्क्वायर इंटू वन के स्क्वायर, यही हमें लाना है। इसमें कोई इसकी तो करना ना,